कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले प्यारे वज़ाइफ और अमलियात आप तक पहुंचते रहें। वज़ाइफ जो होते हैं, अगर आप इनको शेयर करते हैं तो उसका ये फायदा होता है कि आखिरत में आपके लिए बेहिसाब अल्लाह पाक सवाब रख देते हैं। आपको पता भी नहीं होता कि आपको ये इतना सवाब कहाँ से आया। नंबर दो, इतनी नेकी आपने की नहीं होती जितना आप दूसरों तक अपने ये इस्लाम की बात या वज़ाइफ पहुंचा कर अपने लिए हासिल कर सकते हैं। नंबर तीन, नमाज और कुरान पाक लाजम पढ़ा करें। हो सकता है आपकी वजह से, आपकी बात फैलाने की वजह से कोई नमाज और कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दे। नंबर चार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर अच्छे अच्छे अमलियात और वज़ाइफ जो आप ही के फायदे के लिए हैं और आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। नंबर पाँच, अगर आप हमारे चैनल पर अपने किसी दोस्त वगैरह को लेकर आते हैं तो वो भी आपकी तवज्जो से हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करते हैं या हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो इसका सारा सवाब भी आप तक पहुँचता रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, हमारे शेयर वज़ाइफों को शेयर भी करें, लाइक करें। यकीन माने कि अगर आप हमारे वज़ाइफ को शेयर करते हैं तो इससे बढ़कर और क्या है। कोई ना कोई तो आपके जो आपने वज़ाइफ सेंड किए होंगे, लोगों को बताए होंगे, कोई ना कोई तो वो वज़ाइफ करेगा, उसका सारे सवाब आप तक पहुंच जाएगा। बिस्मिल्लाह का एक वजीफा आज मैं आपको बताऊंगी। बहुत से लोगों ने कहा हमें बिस्मिल्लाह का वजीफा कोई बता दे जो आपकी हर मुश्किल को दूर कर देगा, आपकी हर परेशानी को खत्म कर देगा। आज मैं बिस्मिल्लाह का एक ऐसा वजीफा और तरीका बताऊंगी जो आपको पहले कभी ना किसी ने बताया होगा। बिस्मिल्लाह का वजीफा सबसे पहले किया जाए तो वो बच्चों के लिए किया जाए। एक बच्चा बहुत ज्यादा शैतान है, एक बच्चा बहुत ज्यादा रोता है, बहुत ज्यादा तंग करता है, बहुत आपसे बदतमीजी करता है। बड़ा हो जाए तो बहुत बदतमीजी करता है, छोटा है तो बहुत ज्यादा रोता हो, परेशान करता हो, माँ बाप को कभी किस चीज के लिए, कभी किस चीज के लिए तंग करता हो। उसकी रूह को सुकून देने के लिए आज मैं एक वजीफा आपको बताऊंगी और तमाम मुश्किलों का जो वजीफा है इसका तरीका भी बताऊंगी। बच्चों से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह का जो वजीफा है, आपने क्या करना है, बच्चा है, बहुत रोता है, शैतानी करता है, तंग करता है, बहुत से घर में ही प्रॉब्लम है, बच्ची हो या बच्चा हो, बच्ची हो या बच्चा हो, उसके उल्टे कान, लेफ्ट साइड वाले कान में ना आपने आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़नी है 7 मरतबा। 7 मरतबा पढ़ के आप 7 जो थप्पड़ हैं हल्के से, ऐसे ना हल्के से जैसे थपकी लगाते हैं, तो वो आपने बच्चे के हराम मगज होता है ना जहां पे दिमाग, अक्सर बच्चों के ना जहां पर दिमाग के सेंटर में एक फूल सा भी होता है ना बालों का, वहां पर आपने वो थप्पड़ उनसे 7 हल्के हल्के थपथपा देने हैं। अब दूसरे कान में यानी सीधे कान में आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है 7 मरतबा। 7 मरतबा पढ़ के आपने फिर उसके सर पे थपथपा देने। आप यकीन माने ये ऐसा अमल है, ये ऐसा एक वसीफा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। अब आपने करना कब है, आप रोजाना नहीं करेंगे, जब आपको बच्चा तंग करे आप तभी अमल करेंगे, बच्ची तंग करे तभी अमल करेंगे। आप यकीन माने आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। 7 दफा ये अमल दोहराने से, चाहे वो एक ही दिन में हो, चाहे वो एक हफ्ते में हो या 21 दिनों में हो, 7 दफा आपने बस ये अमल दोहराना, बच्चा ठीक हो जाएगा। क्योंकि बिस्मिल्लाह में इतनी ताकत है, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले बिस्मिल्लाह ही उतरी थी, औस बिल्लाह के बाद बिस्मिल्लाह की ही रहमतें हम पर आई थी कि शुरू अल्लाह के नाम से, ठीक है। ये एक वजीफा बच्चों के लिए हो गया। और जो बच्चे पढ़ाई में तंग करते हैं, जो बच्चे फेल आते हैं, जो बच्चे पढ़ाई में पास नहीं होते, फेल होते हैं, उनके लिए भी ये वजीफा है। उनका तरीका क्या है, उनका तरीका ये है कि आपने एक बिस्किट ले लें, बिस्किट के ऊपर 786 लिख दें, ठीक है। कोई बीमार है, कोई बड़ा बीमार है, उसके लिए भी कोई मीठा ले लें, बिस्किट, ब्रेड और रोटी का टुकड़ा, इस तरह की चीजों पे बिस्मिल्लाह 786 लिखना है,
जैसे कुरान पाक के ऊपर वाले लफ्जों में नहीं होता, छोटी रोमन गिनती होती है या अरबी गिनती भी कहते हैं उसको, वर्ड्स कहते हैं, तो उनके वो जो होते हैं ना 786 वो लिखना है। आम गिनती वाला 786 नहीं लिखना पाकिस्तानी वाले, ठीक है ना, 746 सॉरी 786 जो उनसे है आपने वो लिखना है। लिखने के बाद आपने क्या करना है, वो टुकड़ा रोटी का, बिस्किट या कुछ भी जिस पे आपने लिखा है, किसी छुरी की नोक से लिख सकते हैं, कांटेदार चीज से लिख सकते हैं, और किसी स्टिक से लिख सकते हैं, किसी चीज से लिख सकते हैं, पेंसिल से भी आप लिख सकते हैं, तो वो आपने जो सा है उसको खिला दें, बीमार को खिला दें, या जो बच्चे फेल होते हैं पढ़ते नहीं है दिमागी कमजोर है उनको खिला दें, यकीन मानिए उनका दिमाग बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुश्किल वक्त के लिए वजीफा अब आपको मैं बताती हूँ, आपने 101 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ना है। अगर कोई भी मुश्किल दुनिया की आ गई, कोई परेशानी आ गई है, आपका दिल डर रहा है, आप उसको ठीक करना चाहते हैं, तो जरूर ये वजीफा करें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी वो परेशानी मुश्किल आसान हो जाएगी और दोबारा कभी नहीं आएगी। अब आपने पढ़ना कितने दिन है, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन पढ़ना है, या फिर ज्यादा करना है तो 7 दिन कर लें और आपकी मुश्किल इन्हीं दिनों में हल हो जाएगी। आप रात को पढ़ के सोएं तो रात आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। आप इसको फजर के टाइम भी पढ़ सकते हैं, अगर ज्यादा जल्दी खत्म करनी है तो फिर 786 मरतबा ही पढ़ लें। अगर एक ही दिन में अपनी मुश्किल है बहुत ज्यादा है, आपने रात को सुबह खत्म होनी चाहिए, कोई काम अड़ा हुआ है या कोई मसला है, या किसी के पास आपने जाना है, किसी से पैसे लेने जाना है, या किसी पास आपका कर्ज है वो लेने जाना है, आप यकीन माने 786 मरतबा रात को तस्बीह के ऊपर गिनती करके पढ़ के आप सो जाए सुबह तक, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका काम, यहां तक कि किसी से पैसे भी लेने वो आपके घर में दे के जाएगा, इसकी इतनी बरकत है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ कभी नहीं भूलिएगा, दुआओं को पर लगते हैं, और इस बहन को याद रखिएगा, वजीफे को लोगों तक पहुंचाएं, लोगों तक शेयर करें, इंशाल्लाह आपके शेयर करने से ही अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें होंगी, आपकी थोड़ी सी हिम्मत और काबिश से इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बहुत से लोग फैसला होंगे, और उसका सार इस आले स्वाब जो उनसा है वो अल्लाह ताला की रहमत आपको आखिरत में जरूर फरमाएगी। इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।